नमस्कार। आज के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 3 विषय गणित अध्याय 1 का भाग 6 अभ्यास 1.4 में आज पढ़ेंगे विस्तारित रूप। कल हमने 1.3 में भी विस्तारित रूप सीखा था और आज भी हम 1.4 में विस्तारित रूप में संख्याओं को लिखना सीखेंगे। 428 है तो 4 लिख के 4 के पीछे 2 अंक के 2 जीरो लगाएंगे प्लस 2, 2 के पीछे 1 अंक के 1 जीरो लगाएंगे प्लस 8। शब्दों में लिखेंगे 400 प्लस 20 प्लस 8, इन सबको जोड़ के शब्दों में लिखेंगे 400 20 और 8 28, 428। इस प्रकार से इस सभी संख्याओं को लिखेंगे। 456 400 प्लस 50 प्लस 6 400 प्लस 50 प्लस 6, शब्दों में लिखेंगे जोड़ के 400 50 और 6 56 56। अभी 419 400 प्लस 10 प्लस 9 400 प्लस 10 प्लस 9 बराबर 400 10 और 19 419। इस प्रकार से सारे के सारे प्रश्न हैं जो आप अपने को विस्तारित रूप में लिखने हैं। अभी आगे दूसरा प्रश्न वही का वही है, 1.3 में था वही का वही, टूटी हुई संख्याएं लिखनी। अभी दूसरे प्रश्न में टूटी हुई संख्याएं लिखिए। अब इससे जो संख्या टूटी हुई है उनको आगे बढ़ाना है। 415 है, 415 बराबर 415, 416, 417, 418, 419 लिखे हुए हैं, 420 और 421। इस प्रकार से संख्याओं को बढ़ना है। 431, 431 के बाद में 432, 433, 434, 435, 436, 437 और 438 लिखे हुए हैं। 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484 और 485 बड़े हुए। इसी प्रकार से 456 और 491 इनको भी करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है।